हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज का जो सीन है आपने सुना ही होगा, मुंबई में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। 3 दिन हो गए हैं, दिन रात बारिश चालू ही है। तो मैंने अभी न्यूज़ में सुना है कि रोडों के ऊपर पानी भर गया है और ट्रेनें भी लेट फास्ट है, और उधर ट्रेनों की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि पब्लिक को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो मैंने सोचा कि मैं भी एक व्लॉग बना लूँ। अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं 11 o'clock और मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुका हूँ। और अभी मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ। एक तो ले लेता हूँ कैप, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टकला है ना तो पानी बहेगा मेरे सर के ऊपर। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ फाइनली घर के नीचे और आप देख सकते हो बारिश बहुत ज़ोर से है। और मेरे ये फ़ोन में वो नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, तो अभी एक शॉप पर जाएँगे और पहले वो लेंगे। तब तक मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और ये गेट के बाहर, तो पहले गेट बंद कर लेते हैं यार, नहीं तो और कोई घुस जाएगा। तो अभी निकलते हैं फटाफट से। और मेरी माँ आ गई, ये देखो, मैं मेरी माँ को बताता हूँ। हेलो माँ, मैं जा रहा हूँ बिकने के लिए। बस हाँ माँ बोल रही, बीमार मत होना, मारवाड़ी में बोली, आपको पता नहीं चलेगा। सो अभी निकलते हैं फटाफट से। गाइस, घर के बाहर जैसे ही निकला और जोर की बारिश हो गई है। ये इधर आप देख सकते हो ट्रैफिक और नीचे जो पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर, इतनी जोर की बारिश, मैं पूरा भीग चुका हूँ। और अभी हम चलते हैं रेलवे स्टेशन की, उधर का क्या हालात है और लोग ट्रेन के अंदर कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, कितने भीगे हुए हैं, कितने सूखे हैं, तो पूरा वीडियो पर बने रहिए आप। अभी चलता हूँ मैं रेलवे स्टेशन की साइड पर, बहुत ट्रैफिक भी है और बारिश बहुत जोर से है। अभी देखो इन पुलिस वाले भाई साहब को, ये बारिश के पानी से कुल्ला कर रहे हैं। अरे साहब, घर पे करके आ जाते। गजब। आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे और इधर भी पूरा पानी है प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, और ट्रेन भी आ चुकी है आप देखो सामने। अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है, कितने लोग भीगे हुए हैं, कैसे खड़े हैं, क्या नहीं खड़े हैं। तो आ जाओ, ये वाले डिब्बे में बैठना है। मैं जल्दी से जाता हूँ और अंदर चढ़ जाता हूँ। ये देखो, इधर भी पूरा पानी, शटर बंद है। तो अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। गाइज, मुंबई में अभी तो बारिश स्टार्ट हुई है और हालात आप अभी देख सकते हो कि लोग काम धंधे पे जाने के लिए इतने इतने पानी में घर से निकले हैं। पूरा रोड पानी से भर गया है और ये सब लोग, अभी तो मैं ट्रेन से शूट कर रहा हूँ, ये आगे का रेलवे स्टेशन आएगा, वो ट्रेन पकड़ने के लिए अभी इधर से जा रहे हैं। लेकिन अभी तो 3-4 महीने बाकी है, न जाने आगे क्या हालत होगी इस मुंबई की। भाई बहुत बारिश है। भाई इधर पुलिस, मीडिया, आर्मी सब आ चुकी है और लोगों को बोल रही है कि सब अपने अपने घर जाओ, बारिश बहुत तेज होने वाली है। लेकिन पब्लिक मान ही नहीं रही है। तो देखो ये मीडिया वाले इधर घूम रहे हैं और पटरियों के ऊपर पूरा पानी भर चुका है, लेकिन पब्लिक मानने के लिए रेडी नहीं है। और देखो पुलिस वाले कैसे संभाल रहे हैं पब्लिक को। और ये पटरी देखो, पूरा पानी से भर गई पटरी है। गाइस, बारिश बहुत जोर से हो गई और ट्रेन फाइनली रुक चुकी है, पता नहीं ये कब चलेगी। और उधर देखो पब्लिक भी सब उतर चुकी है और मेरे कैमरे में ब्लर भी आ चुका है। अब ये आगे जोर से बारिश है, इसलिए ये ट्रेन चल नहीं रही है। तो देखते हैं कितने टाइम में चलती है और मैं भी चलता हूँ आगे की साइड वापस। कभी आऊँगा कभी नहीं आऊँगा, देखते हैं क्या होता है, जो भी हो। देखो गाइस, ये अभी कुछ आए हैं, ये रेलवे के मेंबर हैं। अब देखते हैं कि ये बारिश ये ट्रेन को आगे छोड़ते कि नहीं छोड़ते। तो वही अब देखते हैं क्या होता है। और बारिश का सीन में आपको बाहर से इस तरह का नज़ारा बता देता हूँ। यार इतनी जोर से बारिश है,
ओके, पटरियों पे भी पानी भर चुका है फाइनली। ये देखो, ये देखो गाइस, पूरा पानी भरा हुआ है यार इसके अंदर। तो ये पटरियों के ऊपर पूरा पानी है और ये किसी का बैग अंदर गिर गया अब कि पता नहीं किसका क्या है। और ये देखो, ये लोग पानी के अंदर आ रहे हैं। तो गाइस फिर से अटक गया हूँ और एक बार फिर से ट्रेन खड़ी हो चुकी है क्योंकि आगे पटरियों पे बहुत पानी भरा हुआ है। और मैं घर से आ चुका हूँ करीबन 50-60 किलोमीटर दूर और मुझे वापस घर भी जाना है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ये तो मैं पूरा करूँगा, देन अगर लेट फास्ट भी अगर घर पर पहुँचा तो भी चलेगा, और भीग तो मैं चुका ही हूँ। तो ये पीछे ट्रेन खड़ी है, अब अनाउंसमेंट हो रहा है कि आगे बहुत तेज़ बारिश होने के कारण ट्रेन को रोक दी गई है। तो आप इंतज़ार कीजिए, अब पता नहीं कितना इंतज़ार करना है यार। तो इधर भी आप देख सकते हो पानी भरा हुआ पटरियों पर, और पीछे अभी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है बोल रहे हैं। ये तो 15 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन कब होगी कब नहीं होगी इसका कोई पता नहीं है। कैप्चर ही नहीं हुआ, चलो वो कैप्चर ही नहीं हुआ जो लेना था। और भरा हुआ ना। सो गाइस, फाइनली पूरे दिन की थकान से अब टाइम हो गया घर जाने का। और पब्लिक देख रहे हो प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ लगी हुई है क्योंकि सबका ऑफिस टाइम है और ट्रेन एक एक घंटा लेट है। तो अभी ट्रेन के अंदर बैठते हैं और चलते हैं घर की ओर, फिर आगे आपसे मिलते हैं। ठीक है, क्या पता बीच में रुक जाए एक दो घंटा तीन घंटा, कुछ भी भरोसा नहीं है, तो टाइम से निकल जाना बेटर है। अपना डिब्बा आगे की साइड है, फटाफट से चढ़ते हैं क्योंकि बारिश अभी बहुत तेजी से आने की संभावना है। फटाफट से हम ट्रेन में आ गए और सीटें तो फुल हो चुकी है, चारों तरफ बैठने की जगह नहीं है, तो हम इधर गेट पे खड़े रहेंगे। मुंबई में आज इतनी हालत ख़राब हुई है ना, और वो भी ट्रेन में। ट्रेन कभी आधा घंटा लेट, कभी एक घंटा लेट, कभी बीच में रुक जाती, कभी दो मिनट के लिए रुक जाती है, और पटरियों के ऊपर पानी पानी भरा हुआ है। आज का दिन जो था ना बहुत बेकार, लेकिन चलो एक्सपीरियंस हुआ और ये मेरे लिए नेक्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत ही मज़ा आया और थोड़ा बहुत उदास भी हुआ बिकॉज पूरा भीग गया था और ट्रेनों में इतना भीड़ लोगों को चढ़ने के लिए सब भीगे हुए, मैं भी भीगा हुआ। तो और मुंबई में इतनी ज़ोरों से बारिश है, रोडों पे पानी है, टैक्सियों वगैरह अपने अपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो अभी चलते हैं ठीक है घर पे और गरम गरम चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे, फिर आपसे बात करते हैं। अभी निकलते हैं इधर से बिकॉज मैं एक बार पूरा भीग चुका हूँ, अभी थोड़ा सा सूखा हूँ, तो चलते हैं फटाफट। सो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ घर पे और आने के बाद ना दो लिया, फ्रेश भी हो गया और चाय आई हुई है, तो चाय पीते हैं गर्मा गर्म क्योंकि बारिश हो रही है और ठंड भी लग रही है, पूरा दिन से भीगा हुआ था। सो अभी चाय पीते हैं और वीडियो को करते हैं एंड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहेगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, उसके ऊपर आप क्लिक कर दो ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी आपको उसको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।